देखिए दोस्तों, ये एंगल जो है टूट गया है। टूटने से सारा सिलेंडर नीचे लटक गया है और बहुत सारा लीकेज भी आ गया है, उसको बाद में देखेंगे। पहले इसके अंदर की पूरी गैस हम निकाल लेंगे और गैस मैं निकाल दूंगा। उसके बाद देखिए, वेल्डर चूँकि है लेकिन वो वेल्डिंग नहीं करना चाह रहा था, वो डर रहा था, तो वेल्डिंग मुझे ही करना पड़ा। देखिए अभी तो ये इधर का है, सारे को बढ़िया से मैं वेल्डिंग करके मतलब क्लियर कर दे रहा हूँ कि दोबारा ना टूटे। वेल्डर डर रहा था पहले, लेकिन अब नहीं डर रहा है, वो अब इधर उधर घूम रहा है। और देखिए अब वो जुगाड़ कर रहा है कि कहीं दूसरे जगह धुआं ना आ जाए, चाहे तब भी वो अपने सेफ्टी के लिए लगाने जा रहा है। कैमरा दूसरे के हाथ में पकड़ा रखा हूँ, इसलिए वो इधर उधर कैमरा हिला दे रहा है। और देखिए क्योंकि वॉल्यूम में थोड़ा बैकग्राउंड कम करके रखा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए वो अब उधर से लगा रहा है चादर, पता नहीं क्या कर रहा है। और ये देखिए, फिर मैं वेल्डिंग करना शुरू कर दिया अपना। ये वेल्डिंग कर रहा हूँ, मैं वेल्डिंग भी जानता हूँ। आर्क वेल्डिंग हो गया, मिग वेल्डिंग हो गया, आर्गन वेल्डिंग भी मार लेता हूँ। और सारा काम जो जो काम सीखने के लिए मिलता है मैं कर ही लेता हूँ। देखिए वेल्डिंग मार दिया हूँ इतना बढ़िया से। और देखिए वेल्डिंग भी करना पड़ता है कभी कभार। और ये वेल्डिंग हो चुका है और ये वेल्डिंग मेरा कंप्लीट है लगभग। अब देखते रहिए, देखिए पूरा नीचे से ऊपर तक देख के बढ़िया से वेल्डिंग कर रहा हूँ कि कहीं छूट ना जाए। और क्या ही बताऊँ, देख लीजिए। धुआं निकल रहा था इसीलिए वो उधर से चादर लगा दिया है कि उस साइड का काला ना हो। और क्योंकि सिलेंडर में थोड़ा भी गैस नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए अब अगली वीडियो में देखते रहिएगा। अब मैं वीडियो चेंज करने वाला हूँ क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा। देखिए वीडियो बन चुका था, अब ये मैं टेस्टिंग कर रहे हैं। अब टेस्टिंग में ये ओके है यहाँ के, और यहाँ पे भी टेस्टिंग में ओके ही है। नीचे का ट्यूब खोल के दूसरा लगाना पड़ेगा अभी, क्योंकि वो डैमेज हो गया था। और ये देखिए टेस्टिंग, और ये ठीक है, ये भी सब ओके है। हमारा कैस्केड चलने के लिए अब रेडी हो गया है गैस।